वाह, रात के बज रहे हैं 12:30 और हम हैं अभी रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन आ चुकी है और ये देखो ये भाग रही है कि मेरी ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन बिल्कुल भी नहीं छूटेगी, टेंशन मत लो। अभी 1 घंटा है ट्रेन जाने में और ये इतना भाग रही है, बताना जरा। नहीं, कैसे रुकेगी? टाइम है इसका, 1:30 बजे जाने का, अभी नहीं जाएगी। हमारी जो ट्रेन है अभी वो आधी आई है और आधी अभी जुड़ रही है। जुड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको, पर अंजलि को बहुत जल्दी है घर जाने की। अंजलि को जल्दी नहीं रहता, मुझे ना ट्रेन से मतलब कि कहीं छूटना चाहिए, मुझे शुरू से ही डर रहा है। जब ट्रेन का टाइम है 1:30 बजे जाने का रात को, तो वो कैसे 12:30 बजे चली जाएगी? मेरे साथ कोई कभी नहीं छूट सकता, इसलिए तुम टेंशन ही मत लो। मैं ट्रेन में अकेले छूटती हूं। अगर छूटने लगेगी ना तो मैं खिड़की से फेंक दूंगा तेरे को अंदर, तुम्हारे बैग को भी खिड़की के अंदर, तुम्हें भी खिड़की के अंदर, डायरेक्ट अपनी सीट पे जाके बैठ जाएगी। ये है चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन, नीट एंड क्लीन। हमारी ट्रेन खुल चुकी है चंडीगढ़ से, रात के बज रहे हैं 1:30। और ये बैठी है अंजलि, इसको आ रही है नींद। नींद तो बहुत आ रही है, 1:30 बजे रात तक जगे हुए हम लोग। ट्रेन के बाहर निकले हुए हैं, पता नहीं कब ट्रेन खुल जाए, और ये दौड़ दौड़ के भागेंगे। तो आप लोग बताओ कि क्या ये अच्छा है, जब जहाँ ट्रेन रुकी वहाँ पे उतर के घूमना स्टार्ट कर दिया। मनी ऊपर आ जाओ। तो मनी अभी कौन सा स्टेशन है? टुंडला जंक्शन। मनी ट्रेन खुल गई, बात मानो, ऊपर आओ। तो हमारे ट्रेन का सफर फाइनली ख़त्म हुआ और हम हैं अभी कोडरमा स्टेशन, है ना, कोडरमा जंक्शन स्टेशन समथिंग। तो कहा जाता है ना कि हमने बोला था कि इंसान को जहाँ धोखा मिले वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए, बट मैंने बोला था कि जाना पड़ता है, तो हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे धोखा मिला था। तो भी हमने अंजलि के घर वालों को नहीं बताया है कि हम, है ना, अंजलि घर वालों को भी नहीं पता है कि हम आए हुए हैं, और ये बिल्कुल बड़ा वाला सरप्राइज देने जा रही है। आप अपने दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? व्यूअर जो है हमारे, उनसे कुछ कहिए आप, इतना बड़ा सरप्राइज देने वाली घर वालों को बैग उठा उठा के, बैग उठा उठा के हमारी हालत खराब हो गई है। ओ माय गॉड, सपने में भी नहीं सोच। ये अंजलि का बैग है इतना बड़ा, बैठी हुई रिक्शे पे और मेरे को बोल रही है कि पैदल पैदल चलो, तो बैग बुक सब इसका यहीं पे रखा हुआ है हमने, है ना, मुझे नहीं बैठने दे रही है इस पे। रात के 2 बजे और मार्केट बिल्कुल खाली है, बस मार्केट में अंजलि दिख रही है, अंजलि, और यहाँ से बहुत नज़दीक है एक्चुअली स्टेशन से इनका घर। तो बैग बहुत हैवी था ना, हमें ऑटो करना पड़ा, मतलब रिक्शा करना पड़ा। ये देखिए अंजलि मैडम पहुँच चुकी है अपने घर, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। वाह, फैन चल रहा है और अंदर में कुछ दिख तो रहा नहीं। अच्छा, ये पापा जी हैं और प्रशांत। इधर तू जा।